सात समंदर पार करके सत्य और अहिंसा की ज्योत जगाने बापूजी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने लंदन आ पहुंचे। हजारों सरकारी अफसर और बेशुमार बरतानवी लोग जंगे आजादी के इस बेखौफ लंगोटी वाले नेता के स्वागत में उछल पड़े। मैनचेस्टर के सरमायादार बापूजी को अपने साथ कारखानों में ले चले। बापूजी वो कारखाने देख रहे हैं जिन्होंने स्वदेशी चरखों की अजमत को मान लिया। इनके साथ हैं महादेव देसाई और श्रीमती मीरा बहन। हिंदुस्तान की आत्मा अंग्रेजों से हाथ मिलाकर काले गोरे के भेदभाव को दूर कर रही है। कारखानेदार महात्मा गांधी से अपने मजदूरों के अच्छे हालात बयान कर रहे हैं और महात्मा जी शायद आजाद और गुलाम मजदूर का फर्क महसूस कर रहे हैं। ब्रिटिश साम्राज्य ने अहिंसा और सत्याग्रह को सलाम किया। ये है मशहूर मारूफ मिस्टर सिडनी वेब अपनी पत्नी के साथ। ये है मिलन दो अमर हस्तियों का, सिनेमा जगत के हर दिल अजीज चार्ली चैपलिन और अहिंसा तथा सत्य के पुजारी बापू का। इनके रास्ते अलग अलग क्यों न हो, पर आदर्श एक ही है। ब्रिटानिया के शहंशाह जॉर्ज फिफ्थ की मुलाकात के लिए करोड़ों इंसानों के तर्जमान, दिलों के बादशाह महात्मा गांधी देवी सरोजनी नायडू के साथ बकिंगम पैलेस में पधार रहे हैं। जिस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बापूजी आए उसके मुख्तलिफ डेलीगेट्स, सर प्रभाशंकर पटनी, सर एबी पैत्रो, सर अकबर हैदरी और पंडित मदन मोहन मालवीय। महात्मा गांधी बरतानवी सरकार के कानूनी और सामाजिक हलकों में अहिंसावाद का विजय नाद बजाते हुए स्वदेश लौटे। किस कदर बेताब होता है मुलाकात का शौक। देश के बड़े बड़े नेता जनता के साथ मिलकर बापूजी का निहायत धूमधाम से स्वागत कर रहे हैं। झंडा ऊंचा रहे हमारा की उमंग भरे स्वर सारे देश में गूंज उठे, जिसमें देश की वीर नारियों ने भी बड़े जोश के साथ भाग लिया। ये है हमारी लोकप्रिय नेत्री मिसिस पेरिन बहन कैप्टन, कमला देवी चट्टोपाध्याय, श्रीमती सोफिया सोमजी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर अंसारी, लोकनायक अने, इंदिरा नेहरू के साथ महात्मा गांधी विजय की मुस्कान ओठों पे लिए जहाज से नीचे उतरे। जनता के दिलों में देशभक्ति की लहरें मचल उठी। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, सभी बड़े उत्साह से कंधा मिलाकर महात्मा गांधी के स्वागत में भाग ले रहे हैं। भीड़ में से रास्ता बनाते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी को बंदरगाह के बाहर ले जा रहे हैं। उन
इनके दर्शन के लिए बंबई की जनता किस उमंग से झूम रही है। तूफानी लहरों की तरह ये इंसानी समंदर महात्मा गांधी के पीछे उनकी जय जयकार के नारे लगाते हुए उनके दर्शन के लिए मचल रहा है। उस शक्ति का दर्शन करने जिसने अहिंसा के सहारे उस साम्राज्य को नीचा दिखा दिया जिसकी सीमाओं में सूरज कभी ना अस्त होता। मणि भवन में महात्मा गांधी अपने श्रद्धालु देशभक्तों को सलाम का जवाब दे रहे हैं। बापूजी की स्वदेश वापसी पर आजाद मैदान की महान सभा। इतनी भीड़ भाड़ आज तक किसी सभा में नहीं हुई। लाखों आदमी खादी के सफेद कपड़ों में गांधी जी का उपदेश सुनने के लिए बेताब हैं। गांधी जी की जय जयकार से आजाद मैदान का कोना कोना गूंज उठा। वीर नरीमान की लोगों को शांत करने की सभी कोशिशें नाकाम हो गईं। लीजिए शरद चंद्र बोस भी आ गए और इधर बापूजी का भाषण भी शुरू होने लगा। बापूजी के हिंदू मुस्लिम एकता के प्रभावी विचार सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। गांधी जी ब्रिटानिया और भारतवासियों के दिल जीतकर अपने घर वर्धा आश्रम में वापस आ रहे हैं। गांधी जी अपने शिष्यों के साथ सुबह की सैर को जा रहे हैं। इनके कदमों की चाल इनके कर्मों की रफ्तार से किसी तरह कम नहीं। सच तो ये है वतन की मोहब्बत जवां हो गई है, जवानी इसी प्यार में खो गई है।